साहब आज इस तकरीब के हवाले से कुछ कमेंट्स आपसे हम हमारे चैनल के लिए आप हमारे साथ ही आए टूरिज्म में, समझिए सर, हमारी जो टूरिज्म प्लेसेस हैं, जो हेरिटेज प्लेसेस हैं, वो अपने चैनल के जरिए लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा कुछ बहुत। मैं समझता हूँ कि अवार्ड सेरेमनीज तो मुनद अब गली कूचों में हो रही हैं, और मगर कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल है कि वी आर द पाइनियर्स इन प्राइवेट सेक्टर। हम पाइनियर्स हैं, जब हमने काम शुरू किया, ये 18वां हमारा कंज्यूमर चॉइस अवार्ड है। तो ये लोगों को पता नहीं था अवार्ड होते क्या हैं, किस तरह अवार्ड होते हैं, कैसे अरेंज करना चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान का प्रेस्टिजियस अवार्ड, इसको लोग लेते हैं। आज ये अवार्ड की तकरीब ख़त्म हुई है, कल से हमारे पास ये लोगों की मुख्तलिफ कंपनीज के फ़ोन आते हैं, शुरू हो जाएंगे कि जनाब आपकी नेक्स्ट तकरीब कब होगी, आपकी अगली तकरीब कब होगी, क्योंकि इसकी अहमियत है। ये लोग, और ये क्या है कि कंज्यूमर चॉइस अवार्ड है, यानी सारिफ ने पसंद किया इस अवार्ड के लिए उन कंपनीज को कि जो उनकी सर्विसेज हैं, जो अच्छी प्रोडक्ट बना रही है। इस तरह की तकरीब मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी मुनक़द नहीं की जाती। एक आध दो चार अवार्ड्स की ऐसी कुछ तकरीबात हैं जिनको यकीनन मैं सराहता हूँ, और उसमें ये नहीं मैं कहता कि हर तकरीब जो है वो वैसी नहीं होती, मगर ये कि जिन्होंने एक कमाल किया और जिन्होंने कोई एक ऐसा नाम किया, तो ये यकीनन हम समझते हैं कि ये ज़रूरी है कि तकरीबात को मुनक़द करते हुए उसकी अहमियत देखी जाए, ये देखा जाए कि वो तकरीब किस लिए मुनक़द की जा रही है, किसके एजाज़ में मुनक़द की जा रही है, और कौन लोग हैं जो इस तकरीब को मुनक़द कर रहे हैं। अवार्ड ऐसा हो रहा है कि चार आदमी इकट्ठा करते हैं, एक छोटा सा रूम लेते हैं, वहाँ पे भी अवार्ड हो जाता है, मगर साबिर भाई का भी एक अवार्ड होता है, जो मैं समझता हूँ कि एक जो उन्होंने उसकी भी दाग बिल डाली है, जो कि मैं देख रहा था इनके काफ़ी जो उसमें थे जो क्लिप्स थे, तो ये गवर्नर भी बैठा हुआ है, मिनिस्टर्स भी बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे जो तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है, एक तो एक उसकी जो एथेंटिक पोजीशन है कि बहुत सारे जो अवार्ड्स हैं उसके पीछे कौन है, वो कौन सी ऐसी तकरीबात मुनक़द कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि कंज्यूमर चॉइस अवार्ड जो पाकिस्तान की एक ऐसी तकरीब है कि जिसमें लोग आने के लिए, आज आपने देखा कि हमारे पास मार्की फुल था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी तकरीब, मेरी एक ये 18वीं तकरीब थी, अपनी डेट रखता हूँ, अपना टाइम मुकर्रर करता हूँ, और हम रिक्वेस्ट करते हैं अपने ऑनरेबल जो हमारे चीफ गेस्ट हैं कि वो तकरीब में आए, अगर उनकी मसरूफियत होती है तो हम अपनी डेट को चेंज नहीं करते। सबसे बड़ी वजह है कि हम अपना टाइम चेंज नहीं करते, हम ये कहते हैं कि हमारे लिए वो मौजूद हैं जिनकी तकरीबात के लिए हमने ये तकरीब मुनक़द की, और अगर वो उन्होंने अपना शेड्यूल बना लिया है तो वो उसके कहीं ये महसूस ना करें कि साहब ये तो जो है आज ये तकरीब कैंसिल करते हैं, पोस्टपोन करते हैं, फिर दूसरे दिन कोई होता है कि अनाउंस होता है, फिर उसके बाद पाँच पाँच दिन के बाद, चार महीने के बाद लोग अनाउंस करते हैं। तो ये तकरीबात करने वालों को एक ऐसा एहसास हम दिलाते हैं कि तकरीब अपने टाइम पर कीजिए और अपने मुकर्रर वक्त और दिन पर कीजिए, ताकि जिन लोगों को आपने दावतनामे भेजे हैं उन लोगों को ये महसूस ना हो कि आप सिर्फ चीफ गेस्ट का इंतज़ार करते हो, क्योंकि चीफ गेस्ट की मसरूफियत कहीं ऐसे नहीं कि आपने एक दिन के बाद, एक महीने के बाद तकरीब दोबारा रीशेड्यूल की तो फिर चीफ गेस्ट फिर मसरूफ हो सकते हैं, मगर हमारे लिए वो मौजूद वो सारे लोग चीफ गेस्ट हैं जो इस तकरीबात में आते हैं, और अपने अवार्ड जो है, अपने अवार्ड की आप ये को देखिए कि जो अहमियत है हमारे पास कि अवार्ड, हमने ये जो अवार्ड दिया जा रहा है, ये अवार्ड पूरी दुनिया में इससे बड़ा अवार्ड जो है ये मैं समझता हूँ कि नहीं है, जो जिसकी अवार्ड की खूबसूरती की बात कर रहा हूँ। इस अवार्ड को हमने यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और जिस तरह के वो अवार्ड्स यहाँ पे दे रहे हैं, एक बहुत बड़ा मतलब वो है, मैं नहीं कहता कि किसी का मैं नाम नहीं लेता, कि जितने भी अवार्ड वाले हैं तकरीबन हमारे साथ ही उन्होंने सीखा और उसके बाद आज मुख्तलिफ तकरीबात भी मुनक़द करते हैं, मगर पाकिस्तान में चंद एक ही अवार्ड्स की तकरीबात को या अवार्ड्स को अहमियत दी जाती है, और उसमें जो है जो तकरीबात आप मुनक़द करते हैं
तो उसमें देखा जाता है कि वो तकरीब किस लिहाज से है और किसके लिए। ये तकरीब की एक इंफरादियत ये है कि इस कंज्यूमर जो ने अपनी जो प्रोडक्ट बनाने वाले हैं उनको सेलेक्ट किया, उनको चूज़ किया और उसके बाद सर्विसेज प्रोवाइड करने वालों को सेलेक्ट किया, उनको देखते हैं और उसके बाद वो हमारे पास ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद हम जो है उन लोगों को नॉमिनेशन भेजते हैं और नॉमिनेशन में भी कुछ लोग रह जाते हैं क्योंकि अच्छा एक और जो बात है वो सबसे बड़ी बात ये कि इस तकरीब की खसूसियत यह है कि एक ब्रांड को एक ही अवार्ड, यानी ऐसा नहीं कि अगर घी और ऑयल की कंपनियाँ हैं 25 तो हम 25 को अवार्ड दे रहे हैं, उसकी अहमियत हमने की। इसी तरह कंज्यूमर चॉइस अवार्ड, कंज्यूमर आइकन अवार्ड है, कंज्यूमर डिमांड अवार्ड है, फिर आज जो हमने सबसे बड़ी बात की कि डिप्लोमेट आइकन अवार्ड किया। डिप्लोमेट आइकन अवार्ड करने का मकसद ये था कि हमारे जो डिप्लोमेट्स जो पाकिस्तान में हैं वो कैसा काम कर रहे हैं और इस पाकिस्तान के लिए उनकी क्या मोहब्बत है, कितनी प्यार से वो काम करते हैं, कितने लोगों में घुल मिल जाते हैं और कितनी समाजी तकरीबात में वो शरीक होते हैं, वो हमारे पाकिस्तानियों के लिए जब डिज़ास्टर आता है तो वो क्या अपने लिए अपने मुल्क से डोनेट करवाते हैं। तो ये सब चीज़ें थी जो आज मेरी ख्वाहिश भी थी कि डिप्लोमेट्स को आज हमने अवार्ड दिए और सारे डिप्लोमेट्स जो यहाँ पर मौजूद थे मुख्तलिफ कंट्री के, उन्होंने इस तकरीब को बड़ा सराहा और उन्होंने कहा कि वाकई ये एक इंफरादी तकरीब है, हम बहुत सारी तकरीबात में जाते हैं मगर हमें ये महसूस हुआ कि ये तकरीब आप से जाते हैं या कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ये करता है, इवेंट मुनक़द करता है, तो यकीनन ये पाकिस्तान में एक इंफरादी खसूसियत की हमें। बहुत बहुत शुक्रिया कोकब इकबाल साहब आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आज यहाँ पे एक प्रोग्राम मुनक़द किया है, अवार्ड सेरेमनी मुनक़द की हमारे बड़े मेहरबान दोस्त हैं कोकब इकबाल साहब, जो कंज्यूमर राइट्स के चेयरमैन हैं, हर साल कंज्यूमर राइट्स के हवाले से बहुत सरगम रहते हैं। उन्होंने इस सूबे के लिए, शहर के लिए और पूरे पाकिस्तान के हवाले से जो कंज्यूमर राइट्स के हवाले से आवाज़ बुलंद की, वो दूसरी आवाज़ किसी और की नहीं, और कोकब साहब ने जो जद्दोजहद की, जो स्ट्रगल की, उसके नतीजे में हुकूमत जशन ने पाकिस्तान की ने कंज्यूमर कोर्ट्स का जो एक्ट पास किया, कंज्यूमर कोर्ट्स कायम की और आज कंज्यूमर कोर्ट्स के जरिए लोगों को रिलीफ भी मिल रहा है, अच्छे फैसले भी हो रहे हैं वहाँ से और लोग मुतमईन हैं। और हमारी भी पूरी कोशिश है कि कंज्यूमर के राइट्स को किसी भी सतह पर कोई नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए, उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए और ये एक जो दुकानदार है और कंज्यूमर के दरमियान जो चीज़ें या जो मामला या जो गलत चीज़ें होती हैं उसको दूर करने के लिए काउंसिल ने बहुत हमारे लिए हमें ये वो मसाइल से भी आगाह करते हैं, हम उन पर बिल्कुल उस पर एक्शन भी करते हैं। हमारी जो जिसमें डी सी है, कमिश्नर हैं और असिस्टेंट कमिश्नर हैं और ये जो प्राइस एंड कंट्रोल कमेटी है हमारे डिपार्टमेंट है, वो इस हवाले से बिल्कुल इनके निशानदेही पे हम सरकार होंगे और अपने तौर पे भी चेक करते रहते हैं। तो इनकी जो तंजीम बहुत फाल है शहर के अंदर क्योंकि शहर पाकिस्तान गया सबसे बड़ा शहर है। मोहतरम जनाब अख्तर खान किशोरी साहब का यहाँ पे अख्तर भाई का ऑलरेडी अवार्ड था, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा वकार मेहंदी साहब से इंटरव्यू से फ्री हो जाए और ये तकरीब में तकरीब में आने का मौका दिया, बात करने का मौका दिया, बड़ी खुशी हुई लोगों से मिलकर भी, इंशाल्लाह हर साल की महफिल होती रहेगी। वैसे भी मुलाकातें फजल करम से और माँ बाप की दुआओं से, आप भाइयों की दुआओं की वजह से एक अवार्ड मुझे भी मिला है, जिसके लिए मैं आपको शुक्रगुजार हूँ। और ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम देखते हैं माशाल्लाह, इस साल भी इन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया, मतलब ये एक्टिविटी एक अच्छा काम भी हो रहा है, बहुत अवेलेबल है, ना कि सिर्फ इम्पोर्ट में एक्सपोर्ट में बल्कि लोकल इंडस्ट्री में बहुत अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। पूरी एक वो है साइकिल, क्योंकि ओवरऑल इकॉनमी ऐसी है कि गाड़ियों की प्राइस इस इकॉनमी की वजह से बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट करती है, तो वहाँ मार्जिन
मेरे जो ब्रांड है उसको अवार्ड मिला है कंज्यूमर चॉइस का, और इस तरह के अवार्ड्स मिलते रहना चाहिए हमारी पसीराई के लिए, और इस तरह से हमारे हिम्मत और हौसला बढ़ता है जिसकी वजह से हम और मज़ीद अच्छी और तरक्याती काम में हिस्सा लेते हैं।